इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। हमारे साथ मौजूद है नुसरत फातिमा, जो आज के एहतजाज में उन्होंने शिरकत की थी और उन्हें अपने ख्याल का जहाँ सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल। आपने जो यहाँ पर आए हैं और जिस तरह से मुल्क जिस दिशा में जा रहा है हम सभी देख रहे हैं, तो क्या यह ख्वातीन का जो प्रोटेस्ट है, यह एहतजाज है, क्या यह वाकई नतीजा कन होगा? बेशक ज़रूर होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वातीन जो 70 साल में जो नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। ख्वातीन हमारे मुस्लिम, खुसूस मुस्लिम ख्वातीन अभी तक भी घरों से बाहर नहीं निकली थी, वो अब इस प्रोटेस्ट में हम देख रहे हैं कि कोने कोने में, चप्पे चप्पे में ख्वातीन रोडों पे प्रोटेस्ट में उतर आई हैं। कड़कती हुई धूप में ख्वातीन हम देख रहे हैं कंटिन्यू सारा दिन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ख्वातीन बहुत सोचने पर मजबूर हो चुकी हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। आज़ाद तो हुआ हिंदुस्तान, 72 साल है, लेकिन फिर भी आज हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमें हर तरह से गुलामी ही तो मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इस CAA के जरिए हम तमाम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। वरना मुसलमानों के अंदर खुद इतने तबके हैं, कोई सुन्नी अहले हदीस तबलीगी जमात इस्लामी बोल के बिखर चुके थे, फिर ST SC OBC कहाँ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इस CAA के जरिए प्लेटफॉर्म पे लाया है कि हम सब इसका अगेंस्ट करें, इसका प्रोटेस्ट करें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह हम बकरियों का रेवड़ देखते हैं, अक्सर बकरियों के रेवड़ में कुत्ते रहते हैं। जब ये बकरियां इधर उधर जाते हैं तो कुत्ते भोग भोग के ने रेवड़ में लाते हैं। आज हमें BJP और ये संघ परिवार जो है, हमें ये कुत्ते ही लग रहा नजर आ रहे हैं, जो हमें भोग भोग के हमें एक 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 संविधान के लिए एकजुट होके एक कानून के खिलाफ लड़े। हमारी जंग किसी मोदी या अमित शाह से नहीं है, हमारी जो लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई है। हम हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए है। हमारी लड़ाई मोदी अमित शाह से नहीं है, बल्कि मनुवाद से है। वो जो मनुवाद को लाना चाहते हैं, जो मनुस्मृति को आम करना चाहते हैं, हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। मैं ये और पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से 70 साल के बाद, जैसे आपने कहा कि अब ये प्लेटफॉर्म पर आई है, कहीं तो ऐसा नहीं लगता कि 70 साल थे हमारे पास, हमने इसे जाया किया, गंवाया? हम बिल्कुल गाफिल हो गए। हमने 200 साल अंग्रेजों से लड़ लड़ कितने थक चुके थे। जो ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हमने समझे कि हम बिल्कुल आज़ाद हो गए, हम रेस्ट पे चले गए थे। ये हमारी गफलत की वजह से आज हमें फिर से क्या है, आज़ादी की जंग में जब तो हम नहीं थे, लेकिन अब इस ये मनुवाद से जो लड़ाई हो रही है, जो RSS से हमारी लड़ाई है, अब हम इस जंग में शामिल हो गए। 70 साल जो हमारे जाया हुए, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहरा? इसके लिए तो हमारी काहली, हमारी सुस्ती और हमें बेवकूफ बनाया। सबसे पहले कांग्रेस ने हमें बेवकूफ बनाया। ठीक है, वो तो सियासी पार्टी थी, वो अपने मुफाद के लिए काम कर रही थी। ऐसा नहीं लगता कि उलमा मसल के इख्तलाफ में मसरूफ हो गए, इसी में वो जो है तबकात को? और हमारे उलमा इकराम भी क्या है, आज महंगाई करप्शन के जमाने में हमारे उलमाए भी कहीं ना कहीं अटके हुए। आज वो लोग कुछ बोलना है तो सोच समझ के बोल रहे हैं। वो इस जंग में भी सिर्फ पीछे हैं, सामने नहीं है हमारे साथ। सानिया मिर्जा क्या पहनती है, फौरी फतावे देते हैं जी। आज ऐसे मसले पे कोई उलमा इकराम फतावे नहीं दे रहे, अपनी कौम को उठाने का काम नहीं कर रहे, खाली मस्जिदों से ऐलान हो रहा हूँ फलां जगह फलां जने ये एहतजाज रखे हैं, कौम के जिम्मेदार शख्स वहाँ जाए बोल के, क्या उलमा इकराम का काम नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठ के क्या काम क्या करते थे? क्या वो सिर्फ कलमे की दावत दिए? क्या पूरे जमाने के अंदर जो जो बुराइयां हैं उनको निकाल के फेंकने का काम किए? हमारे उलमा इकराम को ही पहले ये काम उठाना, जद्दोजहद, मतलब उसको उसी पस मंजर में ना ले जाए, जो दीन के लिए जो जद्दोजहद करनी थी हम नहीं कर पाए। वही बोली ना, हम लोग गफलत में सो गए। हमें चॉकलेट बताया गया, हम चॉकलेट चूसते हैं, सो गए। आज़ाद आज़ाद बोले, हम इसी आज़ादी के चक्कर में क्या है, हमारी कौम लुढ़क गई। 70 साल
खामोश रहा है। और ऊपर से ये जो पिछला 5 साल का दौर है बीजेपी का, वो इतना डराते गए, इतना डराते गए, हमारे लोग डर गए। ये मेरे घर की बात नहीं है, फलां का है, मेरा मसला नहीं है। हमारी उम्मत यही समझी, जब मेरा मसला आएगा तो मैं आवाज उठाऊंगा। इसी वजह से आज मसला हम तमाम का हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेबाकी के साथ नुसरत फातिमा ने जो जवाब दिए हैं, इसके लिए वाकई वो काबिल तारीफ, काबिल तवज्जो है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।